देख रहा है विनोद, फोटोग्राफी के नाम पे कैसा मेला लगा है। चलते हैं हम लोग भी देखते हैं कैसा मेला लगा है। हेलो पटनाइट्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी हम पहुंचे हैं फोटो वीडियो बिहार एक्सपो, जो कि आपका ज्ञान भवन में लगा है गांधी मैदान। यहाँ पे कैमरा वगैरह का एक्सेसरीज का यहाँ पे वर्कशॉप लगा है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या नया प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च किए सारा कुछ बताने वाले हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएटर हैं और जो फिल्म वगैरह बनाना पसंद करते हैं या वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उनको पसंद है। पिछले कुछ सालों में बिहार ने बहुत ग्रो किया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, हाईवेज हो, हमारा नया मरीन ड्राइव हो, सिटी सेंटर हो, फैशन इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एवरीवेयर बिहार इज ग्रोइंग रैपिडली एंड इट्स ब्यूटिफुल टू सी द न्यू बिहार। जो लोगों ने नहीं देखा है, जो लोगों की मेंटालिटी है वो चेंज होगी कि बिहार इज अ लॉट मोर टू इट। बिहार में एवरीथिंग चेंजेस है, एवरीथिंग, देयर इज ब्लॉगिंग, देयर इज इन्फ्लुएंसिंग, देयर इज क्रिएशन एंड आई मीन फोटो एक्सपो के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी व्यूअर्स को कि आप अभी 3 दिन का ये था, कल लास्ट डे है, आप बिल्कुल आए, ऑल द प्लान्स हैव ऑल द बेस्ट पावर है, जिसका आपको डेफिनेट एंगल के साथ मिल रहा है। यहाँ पे बातें हैं कैमरा जूम इन, जूम आउट, दे चेक एवरी पर्टिकुलर थिंग विद द लाइव टू पर्सन सिटिंग ऑन द स्टेज। तो आए आप देखिए एंड मे बी आपको कुछ अच्छा मिले। गैजेट्स हो गए, जिन्हें भी गैजेट्स एंड ऑल का शौक है, कैमरा, सारी ब्रांड्स यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ मिलेगा आपको वाइड वैराइटीज ऑफ लाइट्स, रिंग लाइट्स, ट्राईपॉड्स, स्टैंड वगैरह का काफ़ी अच्छा रेंज था और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। आपको यहाँ पे डिजिटेक का देखिए, आप जानते ही हैं कि काफ़ी फेमस है एसेसरीज के लिए। तो अब चलते हैं द मोस्ट फेमस ब्रांड सोनी, इसका कैमरा वगैरह काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का होता है। देखिए डिफरेंट वैराइटीज ऑफ लेंसेज हैं। ये फुल फ्रेम सेंसर के में आता है, इसका आपका मॉडल नंबर है 7C। इसे सी का मतलब हुआ कॉम्पैक्ट। ये अभी एक कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स लोग के लिए काफी अच्छा कैमरा है। इसमें अलग से एक्स्ट्रा लेंस लगा सकते हैं? जी हाँ, लेंस लगा सकते हैं, इंटरचेंजेबल लेंस में। ये कंपनी ने एक और कैमरा लॉन्च किया अब ZV-10। हाँ, ZV-1 में सर आपका ना वो इंटरचेंजेबल लेंस ऑप्शन नहीं था, इसमें आपका इंटरचेंजेबल लेंस ऑप्शन। माइक का बहुत प्रॉब्लम है, बट ये इसकी माइक क्वालिटी अच्छी है, इसमें अलग से लगा सकते हैं। हाँ, माइक इंटरचेंज कर सकते हैं अटैच। अभी देख रहे हैं पूरा मॉडल चल रहा है, कैमरा का प्रॉपर टेस्टिंग किया जा रहा है, कैसा वीडियो आ रहा है, कैसा फोटो आ रहा है। और यहाँ पे पटना है पहली बार, दो सिनेमाटोग्राफी कैमरा आप देख रहे हैं, पटना है पहली बार आया है। इसलिए भैया से बात करते हैं और बताइए इसके बारे में। सोनी का सबसे पहले तो सोनी का फेसलिफ्ट कैमरा है, सोनी सिनेलाइन कैमरा, सोनी सिनेमा लाइन का जो होता है उसमें ये एंट्री लेवल मॉडल है, FX3 करके मॉडल। अच्छा, तो इसका एडवांटेज क्या है, ये फुल फ्रेम सेंसर होता है। अच्छा, जो 35mm का सेंसर होता है वो सेंसर इसमें रहेगा और ये 4K शूट कर सकता है, फुल HD। 4K में आपको 120 फ्रेम से शूट कर सकेगा और फुल HD में 200-240 फ्रेम से शूट कर सकेगा। इसके बाद हम बात करेंगे तो और एक दूसरा कैमरा भी है, ये सोनी का नेक्स्ट मॉडल कैमरा है सोनी FX6 करके, वो FX3 है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए होगा और मीडिया के लिए भी आप यूज कर सकते हो और इसमें रहेगा मूवीज के लिए, सीरियल्स के लिए, OTT के लिए, क्या रेंज है दोनों कैमरा का, रेंज क्या है इसका? प्राइस आपको रहेगा 3,55,000 और ये रहेगा आपको 6 लाख के आसपास, 6 लाख, 5,95,000 to 6 लाख में बॉडी का प्राइस रहेगा, इसका भी बॉडी का प्राइस। लेंसेस आप अलग से लगा सकते हैं, सोनी का कैमरा भी काफी बढ़िया रहता है क्वालिटी के मामले में। हम ये कंटेंट क्रिएटर जो रील वगैरह बनाते हैं, जो नॉर्मल वीडियो वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी कैमरा दिखाए और जो सिनेमेटोग्राफी, जो फिल्म वगैरह बनाना चाहते हैं उनके लिए भी कैमरा दिखाए। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं पटना में, नियर बाय जाते हैं, तो आके एक्सप्लोर कीजिए और सोनी के शोरूम में भी ये कैमरा अवेलेबल रहेगा। डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रेम्स वगैरह मिलेगा, आप यहाँ पे अपना फोटो वगैरह फ्रेमिंग वगैरह करा सकते हैं। दिस इज फॉर आपका जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, जो कॉर्पोरेट शूट करते हैं, जो आपका प्रोडक्ट शूट करते हैं, फैशन फोटोग्राफी करते हैं, जैसे गब्बू रत्नानी सर हैं,
जो आपके बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज के शूट करते हैं फोटोज, तो उस टाइप के फोटोग्राफी के लिए चाहिए, बिकॉज ये सेंसर जो है 100 मेगापिक्सल का है। अच्छा, 100 मेगापिक्सल में आप जब फोटोज लेंगे, वो भी लार्ज फॉर्मेट सेंसर है। मार्केट में जितने भी कैमराज अवेलेबल हैं, दे आर फुल फ्रेम कैमराज और APS-C कैमराज, बट ये एक ही ब्रांड है इंडिया में, फूजी फिल्म, जो आपको लार्ज फॉर्मेट में इस बजट में दे रहा है। तो बात हो गई फोटोग्राफी की, बात हो गई वीडियोग्राफी की, तो अब बात आती है एडिटिंग की, क्योंकि उसके बिना कंटेंट अधूरा है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे अभी आपका स्मार्ट कट प्रो, जो कि काफी बढ़िया सा एडिटिंग ऐप है, एडिटिंग टूल है। तो भैया से बात करते हैं, भैया बताइए। हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? पार्थ ठाकर। पार्थ, तो बताइए क्या चीज आप ऑफर कर रहे हैं पटनाइट्स को? पटना में सबसे पहले तो हम मोनार्क को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मोनार्क एक 1987 से चल रहा कंपनी है, जो वेडिंग इंडस्ट्री के लिए ही सब फैसिलिटीज लाता है, सॉफ्टवेयर लाता है, लाइक ब्रॉडकास्टर्स हो गए, उसके बाद एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। तो स्मार्ट कट प्रो 9.0 अभी जो रिलीज हुआ है, इसके अंदर सबसे बेहतरीन बात यही है कि ये रेडी टू यूज प्रोजेक्ट्स है, यानी हाईलाइट, टीजर, रील्स, जो चीज़ें बनाने में हमें 2 से 3 घंटे, हाईलाइट बनाने में हमें 4 से 5 घंटे, तो ये जो लेंदी चीज जो हो रही है, इसे खत्म करने के लिए हमारा ये सोल्यूशन है। क्या ये कंटेंट क्रिएटर के लिए भी आपके पास है? एग्जैक्टली, इसके अंदर हमारे जो रील्स है, टीजर्स है, प्रीवेडिंग्स है, इसको जो से हमने एक मैनेज करके रखा है, तो वैसे ही अगर कोई ब्लॉगर आता है तो उसका एक कंटेंट का डेटा होता है कि जो वो कॉमनली यूज करता है, क्योंकि उसका एक थीम फिक्स है, वो थीम के अंदर ही जाएगा और उसका लोअर थर्ड फिक्स होगा, वो एक उसके हिसाब से चलेगा, वो पूरा सेट करके सिर्फ उसको नेक्स्ट टाइम जब ब्लॉग बनाएगा तो उसको पता रहता है कि मेरा ब्लॉग मिनिमम मैक्सिमम कितने लेंथ के अंदर होने वाला है, वो उसके हिसाब से उसको बना के रखेगा, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा, तो नेक्स्ट टाइम उसको एडिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सिर्फ जो उसका लोकेशंस वगैरह है वो वहां से अपडेट करते रहेगा। तो विद इन 5 मिनट के अंदर उसको ये चीज परचेस करना हो तो कैसे परचेस करेंगे, ये चीज बताइए। अक्रॉस इंडिया हमारा कंपनी है, मुंबई में हमारा हेडक्वार्टर है, तो वो वहां से किसी को भी हमारा एक टोल फ्री नंबर जो है उसको अगर साथ में ले लेगा, या फिर हमारा एक मार्केटिंग नंबर है वो अगर उसके पास होगा, या फिर ब्रांच हमारे हर बड़े मेट्रो सिटी में हमारे ब्रांचेस है, वहाँ नियर बाई ब्रांच में वो जाके बात कर सकता है। मोनार्क का ऑफिस गूगल पे भी सर्च करके आपको मिल जाएगा। यस, चलिए, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। वेलकम सर। एलईडी फ्रेमिंग का ये जब पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं उसमें एलईडी का आप यूज कर रहे हैं, क्या रेंज है आपका फ्रेम वगैरह का? मेरा शुरू होता है एलईडी में 6 से 250 रुपये का, 8-12 में 350 रुपये का, ये बल्क का रेट है होलसेल के लिए, ये सिंगल पीस अगर कोई ले रहे हैं तो उसका रेट है। तो काफ़ी कुछ है, वाइड वैराइटीज ऑफ रेंज ऑफ कैमराज, एसेसरीज, जो भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं फोटोग्राफी में, सिनेमाटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, तो वहाँ यहाँ पे जल्दी से आए, पहुँचिए, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, और एसेसरीज वगैरह भी बहुत कुछ है, और आपको कम रेट पे मिल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और टाइमिंग बता दें आपको, 10 बजे से 6 बजे खुला रहेगा, तो आप लोग भी आइए और जल्दी से यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए। तो पटनाइट्स काफ़ी एक्साइटेड हैं और बहुत तादाद में यहाँ लोग पहुँच रहे हैं ये एक्सपो का लुत्फ़ उठाने, यहाँ पे लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग भी जल्दी से आइए और यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। यह एक्सपो 14 से 16 अक्टूबर तक ज्ञान भवन में लगा रहेगा।